2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया गया। इसमें हरियाणा की महिलाओं ने अनेक स्वर्ण पदक व दूसरे पदक जीते। यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है, लेकिन इसे आश्चर्य ही कहा जाएगा क्योंकि हरियाणा की महिलाएं आमतौर पर पर्दे में रहती हैं, उन्हें परिवार के बंधन में रहना होता है, पुरुषों से नज़रें झुकाकर बात करती हैं, लेकिन खेल के मैदान में हरियाणा की महिलाओं ने अपनी ताकत का एहसास करवाया है। महिलाएं खेलों में आगे कैसे निकल पाई हैं? रामकार पीटीआई और हमारे गर्व की सहायता से हम बहुत आगे खेल की आगे आए हैं, इसलिए हमें हरियाणा की लड़की बहुत ही ज़्यादा खेल में आगे है। यहाँ की कम से कम 4-5 लड़कियाँ इंटरनेशनल खेल चुकी हैं और 4-5 लड़कियों का जो है इंडिया के कैंप में सिलेक्शन है, उनका कैंप नहीं लगा है। और नेशनल लेवल पर तो कम से कम 20-25 लड़कियाँ और 10-15 लड़के नेशनल खेल चुके हैं। गांव की लड़कियां कौन कौन से खेलों में हिस्सा लेती हैं? इस गांव की लड़कियां हैंडबॉल और एथलेटिक्स में हिस्सा लेती हैं। तो क्या इन लड़कियों का अपना भविष्य चुनने का खुद अधिकार है? इनका खुद तो नहीं कह सकते, क्योंकि माँ बाप का सहयोग जरूरी है। अगर माँ बाप इजाजत देते हैं तो ये अपना भविष्य अच्छा बना सकती हैं। हरियाणा की महिलाएं खेलों में आगे निकली है तो दूसरे क्षेत्रों में पीछे क्यों है? क्योंकि हमें घर पे माता व पिता व भाई बहन भाई बहन इतनी अनुमति नहीं देती किसी को, हमें यह समाज ने अनुमति नहीं देती। दूसरे क्षेत्रों में इसलिए पीछे क्योंकि उनको प्रोत्साहन नहीं किया जाता, वो उनको हमेशा नीचा दिखाया जाता है, क्योंकि अगर उनको सहयोग दिया जाए तो वह भी आगे निकल सकती है और हर क्षेत्र में अपना नाम लड़की ऊँचा कर सकती है। यदि महिलाओं को खेलों के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन दिया जाए तो वे अपने प्रांत व देश का नाम रोशन कर सकती है। ज़रूरत है महिलाओं को समानता का अधिकार देने की व थोड़ा हौसला बढ़ाने की, ताकि वह हमारी आम समाज की बराबरी में रह सके। मैं सत्यवान वर्मा, इंडिया अनहर्ड के लिए, गाँव मुगलपुरा, हरियाणा से।